नमस्कार, मैं प्रिया, धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। कोरोना के मामलों में अचानक वृद्धि के बाद केंद्र सरकार ने 8 राज्यों को खास निर्देश दिए हैं। केंद्र इन राज्यों से साफ कह रही है कि कोरोना का प्रसार रोकने के लिए कड़े कदम उठाइए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इसको लेकर दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और झारखंड को पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने इन राज्यों को कोविड-19 टेस्टिंग बढ़ाने, अस्पताल स्तर की तैयारियों को मजबूत करने, टीकाकरण की गति और कवरेज बढ़ाने की सलाह दी है। कानपुर के धन कुबेर पीयूष जैन के ठिकानों से मिले 177 करोड़ रुपए कैश और 23 किलोग्राम सोने को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच पीयूष जैन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पीयूष ने गुहार लगाई है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस 52 करोड़ रुपए काटकर बाकी धन उसे वापस कर दे। दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर एक नई स्टडी की है। स्टडी से पता चला है कि जो लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होकर उबर चुके हैं, वो डेल्टा वेरिएंट और उसके बाद से संक्रमणों को दूर करने में सक्षम हो जाएंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि ओमिक्रॉन के मामले में कुछ दिनों तक बढ़ोतरी संभव है, लेकिन लंबे वक्त की बात करें तो ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने पर हॉस्पिटल में भर्ती होने की नौबत नहीं आने की अधिक संभावना रहेगी और जान जाने की भी बहुत कम संभावना होगी। यह भी बताया गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अन्य पिछले वेरिएंट की तुलना में बहुत कम नुकसान पहुंचाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को बताया कि राजधानी में ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक भी संक्रमित को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि सभी मरीज एसिम्प्टोमैटिक है। नई जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी में कुल संक्रमितों में से 46% मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं और इनमें विदेशों से आने वालों के साथ बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग भी शामिल है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने इंजीनियरों और सुपरवाइजर पदों पर आवेदन मांगे हैं। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वो आधिकारिक वेबसाइट psw.bhel.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट psw.bhel.com careers.bhel.in पर जाना होगा। बता दें कि आवेदन फीस 200 रुपए होगी। वहीं SC ST PWD उम्मीदवारों को फीस में छूट दी गई है। 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर भी कोरोना पॉजिटिव हो गई है। इस बारे में एक्ट्रेस ने खुद अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया है। उन्होंने अपने पोस्ट में अपने दोस्तों और फैमिली सहित संपर्क में आए सभी लोगों से कोविड टेस्ट करवाने की सलाह दी है। बता दें कि शिल्पा शिरोडकर पहली इंडियन सेलिब्रिटी है जिन्होंने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगवाई थी। बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर विजय गलानी का निधन हो गया है। 50 साल की उम्र में उन्होंने लंदन के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। विजय गलानी बीते काफी समय से कैंसर से पीड़ित थे और लंदन में अपना इलाज करवा रहे थे। विजय गलानी के निधन की पुष्टि फिल्म निर्माता रमेश तौरानी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की है। विजय गलानी के निधन से एक बार फिर से बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है। बता दें कि गलानी अपने पिछले परिवार में पत्नी, बेटे और बेटी को छोड़कर चले गए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को कहा है कि अगले दो दिनों में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस और पूर्वी भारत में 3.5 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। IMD ने कहा है कि 3 जनवरी तक पंजाब के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ उत्तरी राजस्थान, हरियाणा और चंडीगढ़ में 2 जनवरी तक भीषण शीतलहर की स्थिति बनने की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत के इलाकों में रात में सुबह तक घने कोहरे की संभावना भी जताई गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा है कि राज्य सरकार मंदिरों को स्वतंत्र बनाने के लिए बजट सत्र से पहले एक कानून लाएगी। बुधवार को हबुली में भाजपा कार्यकारी समिति के दौरान बोलते हुए सीएम बोम्मई ने कहा है कि वर्तमान में हिंदू मंदिर विभिन्न कानूनों और नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। हम मंदिरों को स्वतंत्र बनाने के लिए बजट सत्र से पहले एक कानून लाएंगे। भारत ने पिछले 24 घंटे में 13,154 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बात करें तो दिल्ली में 263 और महाराष्ट्र में 252 मामलों के साथ इसकी कुल संख्या बढ़कर 1,000 के करीब पहुंच गई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 82,402 एक्टिव केस हो गए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बीच एक सवाल ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है कि इस नए वेरिएंट के खिलाफ मौजूदा वैक्सीन काम करेगी या नहीं। पुणे स्थित इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों को इस दिशा में शुरुआती सफलता हाथ लगी है। उन्होंने पाषाण स्थित हाई एंड बायो सेफ्टी लैबोरेटरी में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन को सफलतापूर्वक अलग कर लिया है।
एनसीपी चीफ शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके की तारीफ करते हुए कहा है कि उनका स्वभाव ऐसा है कि जब वो किसी काम को हाथ में लेते हैं तो वो यह सुनिश्चित करते हैं कि काम अपने मुकाम तक पहुंच जाए। इसके साथ ही उन्होंने इस बात की तरफ भी इशारा किया है कि साल 2004 से 2014 के दौरान यूपीए के शासनकाल में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बदल की राजनीतिक करने की कोशिश हुई थी। उन्होंने कहा है कि मैंने उनके खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति का हमेशा विरोध किया है, लेकिन यूपीए गठबंधन के कुछ लोगों ने गुजरात सरकार के कुछ लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं। भारत में भ्रष्टाचार कितना कम हुआ इसका पता बिहार में अफसरों के घरों पर पड़ते छापों से लगता है। सोने चांदी की नकदी और प्रॉपर्टी कागजात के ढेर इसकी तस्वीर दिखाते हैं। बिहार में भ्रष्टाचार के प्रति नीतीश सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद बहुत से क्लर्कों से लेकर आईपीएस अफसरों तक ने अपनी आय से कई गुना अधिक संपत्ति अर्जित की है। सरकारी एजेंसियों द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई में भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी अधिकारियों के पास अकूत संपत्ति का पता चला है। किसी के घर में सोने चांदी की ईंट मिल रही है तो कहीं से करोड़ों की नकदी। उत्तराखंड में पीएम मोदी की जनसभा में सीएम के संबोधन के बाद पीएम ने किया 17,500 करोड़ की योजनाओं का वर्चुअल शुभारंभ कर दिया है। इस दौरान राज्य के विकास का खाका खींचते हुए डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश अपने खोए वैभव को पाने की तरफ अग्रसर है। उनके ही नेतृत्व का कमाल है कि कश्मीर से धारा 370 खत्म कर दी गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए राजधानी लखनऊ आए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया है कि यूपी में सही समय पर चुनाव होंगे। सभी राजनीतिक दल कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव संपन्न करवाना चाहते हैं। गुरुवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशील चंद्रा ने कहा है कि 5 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी। मतदाता सूची के फाइनल प्रकाशन को लेकर यदि कोई शिकायत 5 जनवरी के बाद आती है तो उसका भी तुरंत निस्तारण किया जाएगा। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के साथ ही दिल्ली समेत कई राज्यों ने स्कूल को बंद करने की घोषणा कर दी है। दिल्ली सरकार ने शहर में कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। उसके बाद से सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी 8वीं कक्षा तक के स्कूलों में विंटर वेकेशन का ऐलान कर दिया गया है। स्कूल 31 दिसंबर से बंद होंगे और 14 जनवरी तक विंटर वेकेशन जारी रहेगा। बता दें कि महाराष्ट्र में भी जल्द कोई फैसला लिया जा सकता है। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ यह जानकारी दे चुकी है कि कोरोना के मामले बढ़ने पर स्कूल बंद किए जा सकते हैं। बैंक ग्राहकों को 1 जनवरी से एटीएम से नकद निकासी के लिए पहले की तुलना में अधिक भुगतान करना होगा। मुफ्त मासिक सीमा समाप्त होने के बाद बढ़ा हुआ शुल्क लागू होगा। ग्राहकों को अपने अपने बैंकों से बढ़े हुए शुल्क के बारे में मैसेज आ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून में घोषणा की थी कि देश के बैंकों को अब यूजर के लिए मुफ्त मासिक सीमा से अधिक नकद और गैर नकद एटीएम लेन देन के लिए शुल्क बढ़ाने की अनुमति है। दरों में यह बदलाव 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। लंबे समय से चर्चा में रही एक्शन से भरपूर सैफ अली खान और ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म विक्रम वेधा को लेकर टी सीरीज ने बड़ा ऐलान किया है, जो इस फिल्म की राह देख रहे फैंस के लिए बेहद खास है। टी सीरीज ने अपने सोशल मीडिया के ऑफिशियल अकाउंट से फिल्म से जुड़ी खास जानकारी शेयर की है। सोनम कपूर ने भाजपा नेता और विधायक सुधीर मुनगंटीवार की आलोचना की है। उन्होंने यह आलोचना LGBTQ यानी कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर समुदाय का अपमान करने की वजह से की है। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने LGBTQ समुदाय को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसकी सोनम कपूर ने सोशल मीडिया पर आलोचना की। सीबीएसई सूत्रों के अनुसार सीबीएसई जनवरी 2022 में टर्म 2 सैंपल पेपर को लेकर बड़े बदलाव के साथ अपलोड करने की योजना बना रही है। ओमिक्रॉन के चलते शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर जोसेफ इमैनुअल ने सीबीएसई समिति को 2 प्रकार के पेपर पैटर्न पर ध्यान देने को कहा है। ऐसे में टर्म 2 के लिए प्रश्न मूल्यांकन की एक नई शैली भी पेश की गई है। छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानित करने वाले कथित भड़काऊ भाषण के लिए मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ रायपुर के टिकरा पारा थाने में मामला दर्ज है। इससे पहले उसे फरार बताया जा रहा था। कालीचरण महाराज के खिलाफ रायपुर के 2 थानों में केस दर्ज है। इसके बाद से ही पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। रायपुर के SP प्रशांत अग्रवाल ने बताया है कि रायपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि वो खजुराहो में एक होटल में है। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते देखे गए। हालांकि इससे पहले उन्होंने मुरादाबाद में एक रैली को भी संबोधित किया। अपने भाषण में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा कि एसपी और बीएसपी के राज्य में 15 साल तक राज किया और उस वक्त राज्य की हालत कैसी थी। उन्होंने कहा है कि राज्य में हाथी और साइकिल वालों ने भ्रष्टाचार के नोट बोरे में भरने के अलावा कोई काम नहीं किया है।
मुंबई में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और फिल्म और टीवी इंडस्ट्री एक बार फिर से इसकी चपेट में आ रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही भी अब कोरोना वायरस की चपेट में आ गई है और उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी। नोरा के मैनेजर की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि नोरा 28 दिसंबर को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई और अभी वो आइसोलेशन में है। दिल्ली में यदि कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस में बिना मास्क का पकड़ा जाता है तो उसे 2,000 रुपए का भारी जुर्माना देना होगा। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के जिला कार्यालय से बातचीत करते हुए जितेंद्र ने TV9 भारतवर्ष को बताया है कि बिना मास्क पकड़े जाने पर 2,000 रुपए का चालान वसूला जा रहा है। इतना ही नहीं, जितेंद्र ने यह भी बताया है कि कार में अकेले यात्रा करने वाले व्यक्ति को भी मास्क लगाना अनिवार्य है। किंग्स कॉलेज लंदन में जेनेटिक एपिडेमियोलॉजी के प्रोफेसर टिम स्पेक्टर के मुताबिक ओमिक्रॉन के 2 नए लक्षण में जी मचलाना और भूख न लगना शामिल है। उन्होंने कहा है कि कुछ लक्षण उन लोगों में मौजूद हैं जिन्हें COVID-19 की वैक्सीन लग चुकी है, यही नहीं उन्हें बूस्टर शॉट भी लग चुकी है। उन्होंने express.co.uk को बताया है कि इनमें से कुछ को मतली आ रही है, जबकि कुछ को बुखार होने, गले में खराश और सिर दर्द था। अमेरिका में रोग नियंत्रण केंद्र के मुताबिक ओमिक्रॉन से जुड़े कुछ सामान्य लक्षणों में खांसी आना, थकान होना और नाक बहना शामिल है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने गुरुवार को अपने नए साल के संदेश में कहा है कि देश भर में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स के एक वीडियो संदेश में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि वो इस मौके पर देश के सभी लोगों की खुशी, बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि 2022 की कामना करते हैं। केंद्र की मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रही है। यही वजह है कि इस समय सरकार का पूरा जोर इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदारी पर है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक वाहनों के रेट पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों की तुलना में काफी ज्यादा है, इसलिए लोगों का रुझान बन नहीं पा रहा है। सरकार ने भी अभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर कोई सब्सिडी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन भारतीय स्टील कंपनी JSW ग्रुप ने इस संबंध में बड़ी घोषणा की है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने खुलासा किया है कि नियुक्ति में गड़बड़ी के कारण DRDO के 38 साइंटिस्ट 2020 और पिछले वर्ष में इमारतों और घरों के निर्माण गतिविधियों में लगे रहे। कैग ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया है कि जिन वैज्ञानिकों से भारत की सेना के लिए बंदूकें, मिसाइल, युद्धपोत, विमान और अन्य उपकरण बनाने की उम्मीद करते हैं, वो निर्माण गतिविधियों की निगरानी के लिए लगाए हुए थे। कैग की इस गतिविधि को निर्धारित नियमों का उल्लंघन करार दिया है। केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में नियुक्तियों के तरीके और उसके लिए निर्धारित योग्यता पर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नियुक्ति पर सवाल तब उठाया जब आयोग ने वैवाहिक विवाद में पति की शिकायत पर महिला का मानसिक उपचार कराने का निर्देश दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचने के लिए वैक्सीन लेने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि उम्मीद के मुताबिक टी सेल इम्यूनिटी ओमिक्रॉन के खिलाफ बेहतर होती है, यह हमें गंभीर बीमारी से बचाता है। यदि आपने अभी तक टीका नहीं लगाया है तो कृपया टीका लगवाएं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है निधि चौधरी, नरेश कुमार, कुंदन साजवान, गजेंद्र सिंह, विकास कुमार, नुन्नू कुमार, पवन कुमार, जितेंद्र ठाकुर, सनी कुमार, विक्रांत चौधरी, डब्लू कुमार, रेखा कुमारी, विवेक राज, मिथुन राज। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश भर में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए क्या सरकार को लॉकडाउन लगा देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।